खबर बांदा जनपद से जहां बवेरु कोतवाली पर नवरात्र उम्मीद मिलाद दुनबी का त्यौहार शांति पूर्वक ढंग से निपटने पर हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं को कोतवाली बुलाकर धन्यवाद ज्ञापित करने को लेकर पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें उप जिलाधिकारी सौरभ शुक्ला, पुलिस क्षेत्राधिकारी आनंद कुमार पांडे की मौजूदगी पर पीस कमेटी की बैठक सम्पन्न की गयी। वही क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को लेकर सभी लोगों से जानकारी ली गयी, जिसमे ज्यादातर अन्न प्रथा, सफाई व्यवस्था, बिजली पानी की समस्या और बबेरू कस्बे में सब्जी मंडी और मुख्य रूप से पराली जलाने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सभी समस्याओं को सुनते हुए जिलाधिकारी सौरभ शुक्ला ने कहा कि आपकी सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, लेकिन जब तक आप सभी का सहयोग नहीं होगा तो कुछ भी कार्य संभव नहीं है। वही जुम्मा की नमाज करने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन अवश्य करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और एक मस्जिद में कम से कम लोग नमाज पढ़ें, ताकि जो कोरोना से लोग संक्रमित हो रहे हैं वह फैल ना सके और जो शासन के द्वारा आई गाइडलाइन है उसका सभी लोग पालन करें। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी जय श्याम शुक्ला, कस्बा इंचार्ज भूपेंद्र सिंह सहित हिंदू मुस्लिम के धर्मगुरु भी मौजूद रहे। बमेरू बाधा से कमलेश चौरसिया की रिपोर्ट। पिछले दिनों में बमेरू क्षेत्र में दुर्गा पूजा और ईद उल नबी का त्यौहार मनाया गया था और उस पर जो शांत पूर्वक रूप से त्यौहार संपन्न हुआ उसी के धन्यवाद ज्ञापन के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। खासकर मुस्लिम समुदाय के विशेष रूप से बुलाया गया था कि उनकी बहुत बड़ी अच्छी भूमिका थी और ये अक्सर दुर्गा पूजा की जो शांत पूर्वक मीटिंग में थी उसमें इनकी संख्या कम थी, इस नाते आज विशेष इम्फेसिस इन पर बात करता कि इनको बुला के और इनको धन्यवाद ज्ञापित किया जाए, उसी धन्यवाद ज्ञापन के लिए मीटिंग। कुछ सवाल नमाज के बारे में उठे थे सर, सवाल तो क्या है? समाज में जो और आपकी ज्वलन समस्याएं हैं, जैसे अन्ना की है, पराली की समस्या है, इस विषय पे बात की गई, इनकी समस्याओं को सुना गया, अगर इन्होंने कोई समस्या बताई है तो उसको भी सुना गया, क्योंकि इस मीटिंग का मतलब यही है कि आदान प्रदान हो विचारों का, समस्याओं का आदान प्रदान होना चाहिए। हमने अपनी बात बताई है, उन्होंने अपनी बात बताई है, उनको COVID-19 के बारे में पुनः सजग किया गया है।